नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। खबर उन्नाव के पूर्वा से आ रही है। भोर पहर 3 बजे शौच क्रिया हेतु घर से निकले व्यक्ति का लटका मिला शव। खेत में नीम की पेड़ पर रस्सी के सहारे लटका मिला 40 वर्षीय रजन लाल का शव। पत्नी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को पीएम के लिए भेजा। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के जोधपुर मोहल्ले का मामला बताया जा रहा है। उन्नाव जनपद के पूर्वा विधायक अनिल सिंह को पंचायती राज समिति का सदस्य बनाया गया। इस खबर से अनिल सिंह के चहेतों में खुशी की लहर। विधायक अनिल सिंह को पंचायती राज समिति का सदस्य बनाए जाने पर पूर्वा विधानसभा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी दिया। उन्नाव पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने थाना मोरावा और कोतवाली पूर्वा का किया औचक निरीक्षण। एसपी दीपक भूकर ने किया थाने का निरीक्षण। जांच में महिला हेल्प डेस्क व थाने के रखरखाव को देख जांच में संतुष्ट दिखे। साथ ही थाने में बन रही निर्माणाधीन बैरिक को भी किया निरीक्षण। साथ ही थाना प्रभारी को दिया निर्देश बन रही बैरिक की गुणवत्ता सही रूप से बने। पुरानी पेंशन के लिए सड़कों पर उतरे कर्मचारी का किसी भी कीमत पर एनपीएस या यूपीएस स्वीकार नहीं। दिल्ली के ईदगाह मैदान के पास जीडीए पार्क में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा, कहा हरियाणा में अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में जमकर बोला राहुल गांधी पर हमला, कहा एसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद करें। पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थायी है, जम्मू कश्मीर को भाजपा ही पूर्ण राज बनाएगी। अब पंजाबियों को घर बैठे मिल रही सरकारी सेवाएं, बस 1076 पर कॉल करके हो रहे सारे काम। अमित शाह ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल बाबा सिर्फ एसपी रखने से वोट नहीं मिलेंगे, सेवा का अपमान करने वाले अग्निवीरों पर ब्रह्म फैला रहे हैं। फरीदाबाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बरसे सीएम योगी, कहा ये सिर्फ मांगने का काम करते हैं। बीजेपी सरकार बनने पर हर गरीब का होगा पक्का मकान, गांव में मिलेगा सोलर पैनल और गैस कनेक्शन, शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में किया बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र सरकार का महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा, 1 साल में 3 रसोई गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए युवा तक भारत समाचार के साथ।